हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपको ये नहीं पता कि जब आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी फीचर्स मिलती हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जब आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो कौन कौन सी फीचर्स आपको मिलती हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो यूट्यूब की तरफ से आपको 3 फीचर्स मिलती हैं। मैं तीनों फीचर्स को आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे नंबर 1 पे जो फीचर आपको मिलती है वो है मेंशन करना या टैग करना। मतलब आप किसी को भी अपनी वीडियो के अंदर टैग कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि आप किसी बड़े क्रिएटर के या किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं तो आप उस ब्रांड को या फिर उसके चैनल को यहाँ पे अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग कर सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी अपनी वीडियो के अंदर उसको टैग कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं, जिससे उसके पास आपका नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये है पहली फीचर जो आपको मिलती है जब आपके 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी फीचर की जिसका नाम है कम्युनिटी टैब। कम्युनिटी टैब वो होता है जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी पिक या फिर वीडियो पोस्ट करते हैं, जो भी पोस्ट करते हैं आप, उसी तरीके से आप यूट्यूब पे भी कम्युनिटी टैब में पिक फोटोज़ वीडियोज़ को पोस्ट कर सकते हैं। आपके जो भी यूट्यूब वीडियो है आप उसका लिंक वहाँ पर डाल सकते हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन भी मिल जाता है कम्युनिटी टैब का। तो अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की जिसका नाम है कस्टम यूआरएल। ये ऑप्शन आपको तभी मिल जाता है जब आपके चैनल के ऊपर 100 सब्सक्राइबर ही होते हैं और आपका चैनल 30 दिन पुराना, 1 महीना पुराना हो जाता है, तो आपके चैनल पे ये वाला ऑप्शन इनेबल कर दिया जाता है। कस्टम यूआरएल क्या होता है? तो जैसे हम www.youtube.com/ उसके बाद जो हमारे चैनल का यूआरएल होता है उसकी जगह हम अपने चैनल का नाम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे कस्टम यूआरएल कहते हैं। तो कस्टम यूआरएल कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसे मैं आई बटन में लिंक उसका दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ईजिली उसे सीख सकते हैं। तो ये 3 फीचर्स हैं जो आपको यूट्यूब की तरफ से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मिलती हैं। पहला है मेंशन या टैग करना किसी को, दूसरा कम्युनिटी टैब, और तीसरा कस्टम यूआरएल। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब ये अच्छे से पता लग गया होगा कि जब आपके चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या फीचर्स यूट्यूब की तरफ से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।